गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास इन चैप्टर ऑपरेशन ऑन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी हैव स्टडीड एडिशन। हम लोगों ने एडिशन पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एडिशन। तो हम लोगों ने एडिशन, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। भाई सब्ट्रैक्शन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन तो आप सब लोगों को पता है क्या करना है। और इसमें क्या होता है कि हम लोग एलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन रहेगा, मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, आप क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे कैसे क्वेश्चंस करने हैं, उसी के बेसिस पर ही समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अभी मैं बाइनोमियल में ही लूंगा इसको क्वेश्चंस को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू जेड, लाइक दिस। आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो क्या करना है समझिए। पहली बात तो ये समझिए कि क्वेश्चन कैसे होगा। हम लोगों को क्या करना है, इसमें कोई कहीं भी ऊपर नीचे कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा हुआ स्टेटमेंट एडिशन में लिखते थे वैसे इसमें लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई सेम ऐसे लिखिए, ठीक। अब क्या करेंगे, जैसे ये लिख रखा है एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर का लिखेंगे, वेरिएबल एक्स स्क्वायर यहाँ और थ्री यहाँ, ठीक। थ्री के नीचे कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। यहाँ पे आपको साइन दिखाना पड़ेगा कौन सा है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, कुछ चेंज होता है, अलग होता है, मैं आपको भी बताऊंगा। अब यहाँ क्या है, प्लस टू जेड, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस टू जेड ऐसे। वाई के नीचे कुछ नहीं है तो जीरो है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो जीरो है, इट डजंट मैटर। हम लोग क्या करेंगे कि अब इसमें सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, एडिशन में हम लोग डायरेक्टली इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते थे जो भी गिवन रहता था वेरिएबल। यहाँ पे चेंज होगा सिंबल्स का, जैसे ये प्लस दे रखा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ भी माइनस होगा क्योंकि यहाँ जीरो है कुछ नहीं है, तो यहाँ प्लस जीरो है और प्लस जीरो यहाँ क्या हो गया, माइनस जीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। मीन्स क्या हो गया कि अब ये वाले साइन का काम खत्म हो गया है, प्लस का यहाँ पे क्या हो गया, अब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया है, इसका काम खत्म हो गया, अब ये माइनस टू जेड हो गया, इसका काम खत्म हो गया, अब ये माइनस जीरो हो गया। जैसे ही सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो नीचे हम लोग लिखते हैं उनके जो साइंस होते हैं वो हमेशा चेंज कर दिए जाते हैं। अब आप लोग समझिए कि कैसे इसको और आगे करना है। इधर से हम लोग जैसे मैथ्स का सॉल्व होता है वैसे ही करना है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब इसका सिंबल टू का क्या हो चुका है, टू जेड का क्या है, माइनस, तो यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, माइनस टू जेड। अच्छा प्लस वाई में माइनस जीरो करेंगे क्या आएगा, प्लस वाई ही आएगा, ओके। यहाँ पे क्या है, माइनस थ्री, यहाँ पे कुछ नहीं होता, मैंने बताया वन होता है जिसको हम लोग लिखते नहीं है बट हम लोग को पता है कि क्या है, वन है। तो माइनस थ्री में से वन गया तो कितना बचता है, माइनस टू। अच्छा कई लोगों को क्वेरी होगी कि प्लस माइनस माइनस होता है इस वजह से माइनस, इस वजह से नहीं होता है, ये जो माइनस होता है हम लोग देखें किस नंबर के आगे कौन सा साइन है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, ये बात तो सही है, तो हम लोग इसलिए इसको क्या लिखते हैं, माइनस कर देते हैं। बट सिंबल जिसके आगे बड़ा होता है वही लिखा जाता है, ये नंबर बड़ा है इसके आगे माइनस, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखा है, माइनस। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर सब्ट्रैक्शन का, अंडरस्टैंड। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग क्या पूछ सकते हैं। भाई अगला क्वेश्चन मैं लूंगा, अब लूंगा मैं ट्राइनोमियल पे, बाइनोमियल हो गया है, अब मैं ट्राइनोमियल पे क्वेश्चन लूंगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, ए 4a माइनस 3b प्लस 2c, एक एक्सप्रेशन। दूसरा एक्सप्रेशन लिखिए 2a प्लस 6b माइनस सी, ऐसा लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया जैसे लिखा हुआ है सेम आपको वैसे ही लिख लेना है, ये क्वेश्चन आप ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे 4a माइनस 3b प्लस 2c, ये आप ऐसे ही लिख लेंगे। फिर a के नीचे a का वेरिएबल के नीचे a का, b के वेरिएबल के नीचे b का, c के वेरिएबल के नीचे c का, ऐसे लिख लेंगे, ओके। अब आप ये समझिए इसके आगे कौन सा सिंबल है, प्लस का। हमको अब सब्ट्रैक्शन करना है,
तो इसमें अगर एडिशन करना होता तो एज इट इज ऐसे सॉल्व कर देते, बट जब सब्सट्रैक्शन करना होता है तो हम लोग इसके नीचे के सिंबल चेंज करते। मींस अब ये माइनस हट के क्या हो गया, प्लस हट के क्या हो गया, माइनस। ये प्लस हट के क्या हो गया, माइनस। ये माइनस हट के क्या हो जाएगा, प्लस। सिंबल हमेशा चेंज हो जाते हैं। ओके, तो यहां पे क्या हो गया, 2 + 1 3c। माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों नंबर को प्लस करेंगे, यहाँ क्या आएगा, 9b। मैंने अभी पिछले बार बताया है कि बड़े नंबर कौन सा है, 6। 6 के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। यहाँ पे क्या है, 4, और ये क्या है, -2। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2a। आंसर क्या हो गया, 2a - 9b + 3c। सो ये वाला सोल्यूशन जो है इजी सोल्यूशन है, बहुत इजी होता है। बस आप लोगों को बच्चों ये ध्यान रखना है कि जो दूसरा एक्सप्रेशन होता है, जो आप लोग नीचे वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं, इसमें आप लोगों को माइनस माइनस प्लस, जैसे कि यहाँ पे चेंज हुआ है वैसा चेंज करना है। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा, वो क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है, सबसेक्शन का ही है, मैं ट्राइनोमियल पे ही दूंगा। लिखिए आप लोग थर्ड क्वेश्चन जो है इसका, ट्राइनोमियल पे 5z + 3y + x -2x + 4z - 9y। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया है मैंने, ये आप लोगों को होमवर्क में करना है। बस इस क्वेश्चन को मैं एक हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो आप अरेंज करेंगे, जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको इस तरह अरेंज करेंगे, z के नीचे z आएगा, -2x के नीचे x आएगा, y के नीचे y आएगा, सब कुछ जैसे लिखा हुआ वैसे। फिर हम लोग जो दूसरा एक्सप्रेशन में जो नीचे एक्सप्रेशन लिखते हैं उसके सिंबल्स को भी चेंज करना, याद रखना बिल्कुल, सिंबल्स चेंज करना है। मीन्स अपोजिट सिंबल्स हो जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और माइनस का प्लस हो जाएगा। देन आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तभी आंसर आपका करेक्ट आएगा। और कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं कल आपके डिस्कशन ग्रुप में ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।